देसी टैक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है कौशिक जी। जी जी धन्यवाद। बात के शुरुआत करथन कि आपके जन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? मोर प्रारंभिक शिक्षा गाँव मेड़पार से प्राथमिक स्कूल, हाँ, फिर एक बाद में बिलासपुर, हाँ, और बिलासपुर में मिडिल स्कूल से लेकर के एमए एलएलबी तक के बिलासपुर में मोर शिक्षा की दीक्षा सब हुए हुए हैं। अच्छा। चूँकि गांव परसदा है, हाँ, तो बिलासपुर से लगे हुए हवे, हाँ, हाँ, तो वो जमाना में तो मिडिल स्कूल गांव में रहत नहीं रही से, ठीक है ना, हो प्राइमरी स्कूल तक रहे, हो तो मिडिल स्कूल में हमन बहुत छोटे छोटे रहें तो साइकिल चला जान और कई बार रास्ता में गिरन और फिर से उठ कर के जान, हाँ, तो वैसे करत करत हमारे स्कूल पहुँचत रहें। अच्छा अच्छा। तो मिडिल स्कूल तक तो फिर वैसे ही हमारे चली, हाँ, बाकी हाई स्कूल के बाद में तो फिर ठीक जाने समझे लायक हो गए रहें, हाँ, हाँ। और फिर सीएमडी कॉलेज में बीए और एमए, हाँ, ओकर बाद में फिर ला कॉलेज में फिर ला करें। कोनो ऐसा शिक्षक जिन प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज तक आपके जीवन ला नवा दिशा दे के काम करे हूँ, उनके बारे में आप हमें बताओ। ऐसा न बहुत झन शिक्षक मुझे मिले हावे, मोर सौभाग्य वो है, हाँ। लेकिन आज कई झन मन दुनिया में हावे, कई झन मन नहीं है। आज 5 तारीख शिक्षक दिवस के भी मैं उमल्ला प्रणाम करा था। माखन लाल हमारे चतुर्वेदी जी रही सावे। अच्छा। पिंडारी के रहने वाला रही से। वो जब प्राथमिक स्कूल में पढ़त रहे तब वो बोली छोटे से गाँव रहे, हाँ, और गांव रहे के बाद बोले कि ये गांव में पढ़ा था तो ठीक बात है, लेकिन तोर जीवन स्तर अलग है और तो का लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, हाँ, तो बाकी मन तो 5वीं पढ़ी 8वीं पढ़ी रुक जाए, हाँ, लेकिन तो का अपन जीवन के साथ में होकर निकलना है तो कल ये विशेष रूप से अभी से उम्र तैयारी करना है। एक बाद में फिर एक पाटनवार गुरु जी हमन का मिलेज जिन बिटकुला के रहने वाले अभी हैं गुरु जी है, काफ़ी हमन के चिंता करे। जगन्नाथ साहू जी आज हमारे दुनिया में नहीं है, वो समय समय पर काफ़ी हिदायत मतलब मिलत रही साहू कर, और वो हिदायत के साथ में एक मार्ग भी प्रशस्त करी। एक साथ ही साथ में जेपी शर्मा जी सीएमडी कॉलेज में हमारे पढ़ात रही से, और अभी हैं हमारे गुरु जी है, तो कभी कभी भेंट होते हैं तो गुरुजी कम और मित्र ज़्यादा हो गए रही साहब। तो बाहर भी कहीं जाना है तो कहे का करत हथियार रविवार के, तो मैं कहूँ घर में तो हाँ, तो कहीं चल न चलिन घूम के आवो, तो अगर साथ में घूमे भी चल देते रहें। वास्तविक में जीवन में यदि आगे बढ़ना हावे या आज हमन समस्थन के जहाँ पर हमन पहुँचे हमन, इमन के बहुत बड़े आशीर्वाद है, इमन के बहुत बड़े प्रताप है। गांव के जिन परिवेश रहते, गांव के जिन वातावरण रहते, बड़ा अलग रहते। तरिया में नहाना हो गए, भवरा माटी खेलना हो गए। मैं तो वहाँ मनियारी नदी हवे, हाँ, केवट के बस्ती है, हाँ, मैं उनके बीच में रहे हूँ, हाँ, और उनके बीच में पले पढ़े हूँ, तो बर बिहाव में जाए बर हो ना, हाँ, तो वही मन के बर बिहाव में मैं जात रहे हूँ। तो अपन सगले ज़्यादा मैं उनके रीति रिवाज ला जानत रहे मैं। अच्छा। और एकर स्थिति जब नदिया में उमन उस समय ढोली गिरे, जब हमन छोटे रहें, हाँ, तो ढोली गिरे तो गांव में मुनादी हुए, हाँ, कि भैया ढोली गिरना है तो सारे काम बंद रही, हाँ, तो ढोली गिरे तो हमन कहें हमकत मछली पकड़े आए नहीं भैया, तो कहे नहीं गोटिया तो कहीं नहीं आते, तभो तो जाना है भाई और जाके साथ में रहना है, हाँ, तो हमन देखन बड़ा आनंद लगे, हाँ, और बिल्कुल जैसे अपन घर परिवार है वैसे है वो समाज के बीच में हमन के जन काफ़ी आगे बले और पढ़े के उमन के पूरा सार्थक रहे हवे। हाँ। गांव में आज भी जिन है बहुत सारा जिन कहे जाए हमारे जिन संस्कृति है, सांस्कृतिक जिन मूल्य है, आज भी देखे ल मिलते गाँव में अभी भी है। शहर में बहुत हद तक कांवर की पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव कहन, टीवी के प्रभाव कहन, ओखर जिन असर ज़्यादा दिखते, लेकिन गांव में अभी भी जिन संस्कृति है तिन सुरक्षित है, बची हुई है। ओकर कारण है ये टीवी तो अभी बाद माई सावे, हाँ, लेकिन टीवी नहीं रहे के पहले, हाँ, कि गांव में स्कूल में भी कबड्डी, हाँ, खो खो, और ओकर बाद में जैन वहाँ के पारंपरिक हमार जब त्यौहार आवे, हाँ, तो गेड़ी चढ़ना हवे, हाँ, ये बचपन ले हमन हरेली आगे मतलब गेड़ी वो दिन चढ़ना है, हाँ,
वो दिन लोहार आवे कांटी ठोके बर दरवाजा चौखट में कांटी ठोके राउत आवे वो अंडा के पान लेकर के और कुछ कुछ लेकर के गाय मन का खिलावे और ओकर बाद में नीम पत्ता खोचे। ये जो परंपरा है आज भी वो गांव में बरकरार है और कायम हावे। एकर साथ ही साथ में गांव के जो पारंपरिक खेल उसमें क्रिकेट के नहीं रहे गिल्ली डंडा के रहे, ये गिल्ली डंडा के ही क्रिकेट में परिवर्तित हुए हावे। ठीक है, तो उसमें गिल्ली डंडा के रहे और गिल्ली डंडा में भी वैसे रहे कि मार के ओला भागना है और उकर बाद में ओकर झोंके के रहे तो आउट हो जावे और ओकर वो इस प्रकार के क्रिकेट का ओकर परिवर्तित रूप ओकर समझ ले गांव के। ठीक है ना, तो वो समय के जो ये रही सावे के रस्सी कूद से लेकर के रस्सी खेल से लेकर के और जन्माष्टमी आ गए तो गांव में झुलिया बांध है, रस्सी के बांध है और रस्सी के बांध करके पूरा पेड़ में बांध करके गांव भर के जितका हवे ओमन जितका हमन संगी साथी रहन तो सब झुलिया झूलन उमा। तो ये प्रकार के रहे। जब ये बैला के रहे तो उस समय हमन पूजा करन तब गांव गांव में बैला दौड़ के प्रतियोगिता रहे। ये प्रकार के नाग पंचमी आवे तो नाग पंचमी में उस समय दंगल होत रही सावे और आसपास के जो पहलवान हवे ना उमन आवे और आ करके उमन ला खिताब दिए जाए कोई ला बिलासपुर केसरी के तो कोई ला कुछ के। तो ये प्रकार के हमारे जो बचपन के समय वो देखे हन आज भी ये टीवी आए के बाद में बहुत अकन हन नंदा गया हवे। ठीक है, नहीं तो पारंपरिक रूप से जो ये खेल रही सावे उस समय ना टीवी के जरूरत रही सावे ना जिम जाए के जरूरत रही सावे। ये जितका गांव में खेल हुआ एक्सरसाइज हुआ है उतका में तो पूरा ऊपर पसीना निकल जाए जिन जा करके आज जिम में जा करके दौड़ा था हुआ जिम में जा करके जो उठा था हुआ ये सारे साधन गांव में प्राकृतिक रूप से हम लोग उपलब्ध रही सा हुआ। ठीक है, और एकर कारण जिम जाके भी कभी जरूरत नहीं से आदमी एकदम फिट रहे आदमी एकदम सुटेबल रह रही सा हुआ। आज भी मैं कह सकता हूँ ओकर बाद भी कि वास्तविक में यदि त्यौहार देखना है तो शहर ले हट के दूर दराज के गाँव में जाओ। अब गांव में जावे तो जब वहाँ पर कर्मा के थाप पड़त है और कर्मा के थाप जब देखबे और डंडा के नाच होते तो देखते रह जावे वो थाप ला तो गांव के जो मजा हवे ओकर निश्चित रूप से एक अलग मजा है। आप वकालत करे वकालत से राजनीति में कैसे आए आप? अब मैं वकालत करत रहे लेकिन मैं वकालत करत करत में पार्टी के कार्यक्रम में जाते रहे का है मोर पिताजी है ग्राम पर्षदा के सरपंच रहे से और तिफरा और परसदा दोनों एक पंचायत में रही से तो दोनों पंचायत के भी वो सरपंच रही सावे और लगातार बहुत दिन ले सरपंच रही। चूँकि पारिवारिक घर में एक माहौल रही सावे और पृष्ठभूमि यही रही सावे कि सरपंच होए के नाते जनसंघ से जिन जुड़े रही सावे बाकी तो फिर बाद में फिर लखी भैया से लेकर के और बाकी जो नेता मन है सबके आना जाना शुरू हो गए। लेकिन बचपन में जब मैं देखे रहे हूँ शायद यही लग प्रेरणा कह सकत हन कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बिलासपुर में हमन छोटे छोटे रहन और जब बिलासपुर आवे तो हमार आदमी मन जितका सुने ल जाए तो जाए आम जनता मन जिन हमार पार्टी के नहीं रही से ना तेनो मनो ला सुने के लिए जावे और म्युनिसिपल स्कूल में कार्यक्रम हो तो मानसरोवर लाज होती तो वही मानसरोवर लाद तिर आगू चौंगा लग रहे बाहर तक के तो वो मेरे बैठ करके उमन सब सुने के का बोला थे इसे कह के तो ऐसन जो महान विभूति रही सावे तो लगे कि नहीं भैया ये सबले अच्छा जो भारत माता की जय कहते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगा थे जेकर नेता मन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेकर के ये देश के लिए अपन जान दे दी तो ऐसे ही पार्टी में जुड़ना ठीक है और बाद फिर राजनीति में पहली अवसर कौन सी रही जब आप राजनीति में जन आप मिली तो 93 में पहली बार चुनाव लड़े मध्य प्रदेश रही उस समय ये मशीन नहीं आ रही ईवीएम मशीन वो बैलेट पेपर रहे और गिनती ऐसे ही करत जावे तो 187 वोट से हमन पीछे हुए और अशोक राव जी जीते स्वास्थ्य मंत्री बने लेकिन 5 साल हम जनता के पीछे में रहे तो फिर जब दोबारा चुनाव लड़े तो 10,000 से ऊपर वोट से फिर जीत करके आए तो ये प्रकार से हम उनके राजनीतिक शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। प्रजातंत्र में विपक्ष के भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होते आज अपन विपक्ष में हो तो आपकी का भूमिका है? स्वच्छ प्रजातंत्र में जितका सत्ता के महत्व हवे उनके प्रतिपक्ष के महत्व है लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रतिपक्ष का आदमी है विरोधी दल मान लेते हैं।
वो है विरोधी दल नहीं हुए, यदि प्रतिपक्ष नहीं रही तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाए, और ये निरंकुश में यदि अंकुश नहीं लगाया जाए तो जनता के हित के बजाय अहित भी शुरू हो जाए, तो ओला कोई मना करने वाला नहीं रही, कोई रोकने वाला नहीं रही। एकर स्थिति जितका सत्ता पक्ष के महत्व है उतका विपक्ष के महत्व है। अब मैं दूसर प्रश्न की तरफ बढ़थन कि माँ के जिन बनाए भोजन रही थे सदैव आदमी के साथ रही थे, कहूँ भी खा लाए आदमी लेकिन ओखर स्वाद जिन माँ के बनाए के खाए के जिन स्वाद आते वो कोनो में नहीं आए, एकर बारे में आपके क्या कहना है? एकरो बारे में एक तो कहावत है, हाँ, मंगा के बरसे तो माता के पोरसे। हाँ। दाई के जिन दुलार होते बेटा बर अपन लड़का बर, हाँ, कि ओकर हड़िया में कतका कन खाना हवे, हाँ, ओकर बर बचिए कि नहीं बचिए, ओका ओकर चिंता नहीं रहे। हाँ। ओका चिंता यही रहते कि जितका हवे तेला मोर बेटा बेटी है खाई लेती छ, हाँ, ओकर खाए में वाला आनंद आते। हाँ। और खाए में ओका आनंद एकर से आते कि ओका लगते कि वो तकलीफ का वो जानते कि कैसे करके बोले बड़े करे है पाले है पोसे है, तो एकर सेती सदा माता के इच्छा यही रहते कि मोर बेटा बेटी हावे वो खुश रहे, तो ये प्रकार से ओकर जीवन के आगे बढ़ाए के लिए और ओकर जीवन है भविष्य है ठीक रहे, ये शुरू से माता के जो रहते इच्छा। हाँ। और एकरे सेती बहुत अकन जब नक्षत्र आते ना, हाँ, तो मंगा नक्षत्र का अकाल के समय भी देखते हैं। हाँ। और कथे के नहीं गया अभी मंगा बचे हमें तो का हुआ है मंगा में, तो कथे मंगा के बर से तो माता के पोर से। मतलब जितका कमी हवा है, हो, यदि ये जीवन में, हो, तो यदि कोई पूरा कर सकत है तो माँ पूरा कर सकत है। ये माता के जन ममता है, माता के जौन ममत्व है, यही ओकर जीवन भर के छाँव है, ओकर जन छाँव हवा है वही बल पढ़ते बढ़ते और आगे आते, ये माता के कृपा रहते। कोनो ऐसा जिन माँ बनात हुई जिन आप लोग बहुत पसंद रहे बहुत अच्छा लगत हुई तेन? मैं है तो एक बात बता देता हूँ, आजकल कटोरी में खीर देते। हाँ। तो कटोरी में खीर देते तेनों का आदमी है आधा खाते, लेकिन जब मोर माता राम है खीर बनात रही उस समय गाय सब गाय भैंसी घर ही कर रही से दूध खरीदत नहीं रहना मन। हाँ। तो जब खीर बनात रही से ना, हाँ, तो मैं कभी प्लेट में वे में कटोरी में नहीं खाते रहे, मैं, हाँ, थाली में खावत रहे मैं। अब भर भर थाली खीर खाओ फिर परोसा ले। हाँ। तो उस समय के जिन खाए के मजा रही से ना, यह ऐसने मजा रही सावे। आजकल तो चीखे टाइप के हो गए, चीखे टाइप से ही कहो तो आप। तो वो जिन खाए के मजा है वो जो सब अब कहाँ है, अब वो सब कहे के रह गए, कहे के बात रह गए। बाबू दूसरिया मोर यहाँ जिन हमार माँ अचार बनावे। अच्छा। तो ओकर बनाए अचार है ना 2-3 साल हो जाए। हाँ। तब वो ऐसे लगे कि जैसे अभी पेड़ के काट के ला करके बिल्कुल अचार का बनाए हैं। अच्छा। इतका ओकर टेस्ट है। सही। तो बड़ा अचार के बहुत बहुत अच्छा अचार बनाते रही सब। बाबूजी राजनीति जुड़ी कांवर के बाबूजी सरपंच रही ने आप अपन आस पास देखे हुए ऐसा माहौल रही से, तो बाबूजी जुड़े कोनो बात बताओ आप। बाबूजी के जुड़े एक बात बता दे तुम्हें, मैं पढ़े के बाद में मन में ऐसे रही सवे कि घर में कुछ नौकरी करने वाले नहीं, मैं नौकरी में चल देता हूँ कहीं के। तो बाबूजी कहे हो कि मैं फार्म वार्म भरा, तो कहते नहीं भरत। तो कहे नहीं भरत तो कहते कि नहीं करत नौकरी उकरी। बोले मोर एक इच्छा है। तो मैं बोले बता भाई क्या इच्छा है। तो कहे कि तय हाँ ला करबे, और ला कर एक बात तो वकील बनबे और तय काला कोट लगा के जाबे और पैसा मैं दे हूँ गाड़ी मैं दे हूँ। अच्छा। तो मैं हाँ ला करे मैं हाँ। और ला करे के बाद में ओतलवार जी के जो पिताजी रही सावे बिलासपुर में हमार, हाँ, वो हमारे पिताजी के बहुत घनिष्ठ रही सावे। हाँ। तो उनकर जो लड़के है विश्वास ओतलवार जी, हम्म, तो मुख ले के ओकरे सौंप के रही से जाके। अच्छा। और ओला कहे कि ये तो लड़का समझ तो छोटे भाई समझ, एक वकालत तोड़ शंकर ही। और मोला कहे कि तय हाँ ये गाड़ी एच डी ढीच एक ठो। अच्छा। अब एच डी गाड़ी लिए गए बात कहे कि मैं तुला रोज 10 रुपया दे हूँ। हाँ। उस समय 3.5 रुपये पेट्रोल के लीटर रही। हाँ। तो बोले ते सब रोज मोर से 10 रुपया तय ले जावे और 1 लीटर पेट्रोल डलवावे, बिलासपुर लगे हुए तो है 6 किलोमीटर घर ले,
तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाबे और बाकी के चाय नाश्ता करबे और रोज मोड़ सो ले जाए करबे। तो विश्वास उत्तलवार जी के पास लेके गई बोला और ले करके कही कि अब यहाँ पे वकालत कर। तो फिर मैं वकालत शुरू करें तो उनकर मुंशी रहे से लक्ष्मी नारायण देवांगन। अच्छा, तो का कही से बाबूजी है। तो मैं कहूँ जैसे जैसे कहे है वह कि रोज 10 रुपये ले जाबे ऐसे कह के। अच्छा, तो ते घर ले रोज पैसा लेके आबे। तो मैं कहूँ तो कहे है वह, तो कहते कि अब आज लाए है ना, अब कल ले मत लावे, कहते कल ले पेट्रोल का हमन भरवाबो, अपन खुद ते भरवाबे। जिन जमाना में यजदी के बड़ा क्रेज रही से पिक्चर मन में भी हीरो मन यजदी चलावे, वो टाइम आपके पास यजदी रही से, और अभी नवा मॉडल यजदी फिर आ गए है वापसी हुए होकर। हाँ, मैं देखे नहीं हूँ, मैं हाँ। सुने हाँ, मैं हाँ। आए है के बुलेट भल्ला देखे हूँ, चढ़े हूँ हाँ। नहीं और लोगों को चलाए हूँ, लेकिन यजदी ले अभी नहीं चलाए, लेकिन मोर पुराना यजदी हवा है अभी। अच्छा, तो अलगे मजा रहे चलाए। तो वो है बिल्कुल पिकअप इतका पकड़े होकर डबल साइलेंसर की गाड़ी। तो मैं है वो मैं पार्टी के काम करो ना हाँ। तो मैं मरवाही से लेकर के उसमें अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, तो चंदरपुर शक्ति में सब वही में जाते रहे उस समय, वही में हाँ कोरबा में सब वही में जाऊँ इस दिन में। अच्छा, अब बड़े 3-4 आज 5 जिला हो गए, उस समय 1-1 जिला रही, तो वही एसडी में दौरा करो मैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बिहाव कौन सा साल में हुई साहब? बिहाव तो मोर बचपना में हो गए रही साहब। अच्छा, लेकिन उस समय अलग प्रथा रही से, बिहाव पहली हो जाए और गौना बाद में हुआ। तो लगभग 77 में मोर गौना हुआ हवे। 77 में तो बिहाव पहली हो गए रही से, फिर 77 में गौना हुई। आप वकालत करे हो फिर राजनीति में आए हो, तो उखर का सोचना रही से जब आप वकालत से राजनीति के तरफ आए, धर्मपत्नी के कतेक सहयोग रही से और कैसे समझाए कि भैया राजनीति में मजावत होगी? क्या है वो समय ना हाँ। मैं घर में टाइम बिल्कुल कम देत रहे हूँ, एक तो वकालत दिन भर करो हाँ। और फिर बचे टाइम के राजनीति में उपयोग करो मैं हाँ। और फिर शनिवार और रविवार हाँ। ये 2 दिन के लगभग मोर उपयोग वही में होते रही से हाँ। दौरा करे कार्यक्रम हाँ। तो कहे कि तो एको दिन घर में नहीं रहत, कहाँ जात कह के हाँ। मैं कहूँ नहीं ऐसने काम करेल पड़ते हाँ। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आ गए। लेकिन मैं ये एक बात कह सकत हूँ कि मोर तो 4 लड़की और 2 लड़का है, लेकिन जितका दोनों लड़का डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक में पीजी हो गए हैं, एक है MBBS का डारे है, मैं सिम्स में है और लड़की मन भी पढ़ लिख के शादी हो गए, ससुराल चल दिए हैं हाँ। अभी एक लड़का के शादी नहीं हुई छोटे वाला के डॉक्टर के। तो इतका जैन संस्कार है जैन परिवरिश है और जैन उमन का जैन अभाव ओका यदि दूर करे के काम करे है तो ओकर माँ करे हवे। बहुत अच्छा, मतलब पूरा उमन के देख रेख करना, उमन के इलाज पानी से व्यवस्था से लेकर के और संयुक्त परिवार में रहते रहे हमन हाँ। छोटे परिवार नहीं, मतलब चाचा उचा सब एक साथ रहन हाँ। फिर भाई मन सब एक साथ रहे, तो संयुक्त परिवार में रहे के बाद में मोर ले ज़्यादा जवाबदारी ओकर माँ के रही सवे और लगभग लालन पालन और सब ओकर देख रेख वही करे है। और यदि आज मैं हाँ जितका टाइम निकाल करके निश्चिंता के साथ में हाँ। कि बिना चिंता के यदि घूमत हूँ राजनीति में काम करता हूँ हाँ। तो बहुत बड़े योगदान होकर हवे हाँ। सही कहा, कि कोई बात के चिंता हो नहीं दे कि बाकी गांव के सुख दुख क्षेत्र के सुख दुख से लेकर के, अब तो लेकर मन भी जाते चिंता कर लेते, नहीं तो सब चिंता करे काम करे हवे हाँ। तो जब तक के साथ देने वाला यदि साथी नहीं रही ठीक, तो अकेला बढ़ना बहुत मुश्किल काम है, खास करके आज के राजनीति में ठीक। और दूसरिया जिन सबसे बड़े है कंप्रोमाइज समझौता, कि जग के लिए पूरा दुनिया के लिए टाइम रहे घर के लिए टाइम न रहे, और उमा वो बात ले संभाल करके ले जाना, तो मैं एक बहुत बड़े जवाबदारी भूमिका उमन निभाए हवे हाँ। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। बिलासपुर में जब पिक्चर लगे तो आप देखल जाते नहीं जाते रहे? मैं पिक्चर देखेल जात रहे मैं हाँ। और बचपन में पिक्चर देखे मैं बहुत शौकीन रहे हाँ। हम जब पढ़ाई करते रहे ना, तो पहले उस समय तो 400-500 चला टाकीज में हाँ। ये आज के जमाना वाला नहीं रही साहब, 4-5-6 टाकीज हो गए रही से हाँ। तो 4-5 पहले रही से, तो पहली दिन पहली शो में जाना है वही में आनंद आवे। और उस समय के फिर टिकट कैसे लेना है, और टिकट लेके फिर पिक्चर देखना है, पिक्चर देखना है।
बहुत बड़े टास्क रहे वो। हाँ बहुत बड़े टास्क रहे, बोले पूरा करन हमन। अच्छा कि जाना है पिक्चर, जाना है मतलब जाना है। तो ऐसे पिक्चर देखे उस समय काफ़ी शौक रही सब है और बहुत पिक्चर उस समय टीवी के जमाना भी नहीं रही से जौन देखना है तो उस समय दूरदर्शन के भी टीवी नहीं आ रही से। तो उस समय मतलब मनोरंजन के नाम पिक्चर यदि देखना है सिनेमा देखना है। कौन रही फेवरेट हीरो आपके? अब उस समय तो धर्मेंद्र रही से, राजेंद्र कुमार रही से और यही मन रही सब है राजेश खन्ना। तो उस समय के तो हीरो वही मन रही से। और हीरोइन में कौन अच्छा लगा आपला? अब हीरोइन में तो सब अलग अलग रही। उस समय वैजयंती माला रही सब है, फिर बाद में हेमा मालिनी आग रही सब है, तो नूतन रही से वो जमाना के पिक्चर हमन देखत रहे। जी जी, अभी बहुत अंतर आ गया पिक्चर में। वो जमाना की जिन स्टोरी रही से वो अभी के जिन वो जमाना के जिन कई पारिवारिक पिक्चर बने, कई धार्मिक पिक्चर बने और कई पिक्चर बन तो छः महीना चले। ठीक है, वो नांगिन पिक्चर आए रही तीन छः महीना चलत रही से, आदमी दो बार तीन बार चार बार पांच बार देखे। बाद में सोलह पिक्चर आई थे ना, बहुत दिन चली फिर वो समय के। ठीक है, लेकिन पारिवारिक पिक्चर भी बहुत अच्छा अच्छा है जेका परिवार के साथ भी हम देखे जाते रहे। तो आजकल के अब पिक्चर भी थोड़ा बदल गया हुआ, बदल गया। लेकिन अभी मैं तीजा के दिन सब वो लड़का मनाए है तीजा में, तो मैं कहूँ आज घरे में हो तो जाना है तो चलो भाई इसे कह के। तो मिशन चंद्रयान उनका लेके गए रहे हूँ देखे। हाँ। तो मैं पूछो कामा जाना है तो कथे यही देखबो, मैं कहूँ चला। तो वो दिन कहीं नहीं गए रहे, मैं उनके से पिक्चर देखे गए रहे हूँ बिलासपुर में, उनका से बैठ के पिक्चर देखे। तो अवसर मिल जाते तो परिवार के साथ में बढ़िया गप सप मारे के समय दे लेता। छत्तीसगढ़ में अभी जिन स्थिति है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करें, छत्तीसगढ़ी भाषा के बात करें, तो ओखर विस्तार बार कि हर जन तक वो पहुँचे और जिन लोगन यहाँ के हैं उनला भी काम करे में सरलता हो, उनला गर्व हो कि हम छत्तीसगढ़िया हन, ओखर पर काका प्रयास होना चाहिए? असल में छत्तीसगढ़ ही है भाषा, तो छत्तीसगढ़ ही है पहली के बोली। लेकिन राज्य भाषा के रूप में मान्यता तो विधानसभा में मिल गए। मैं विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन मान्यता मिले के बाद में काम काज के भाषा आज भी छत्तीसगढ़ी नहीं बन पाई। और ओकर पीछे जिन सबसे बड़े कारण हवे कि मुका ऐसे लगते कि छत्तीसगढ़ी के लेकर के जो गौरव होना चाहिए वो महसूस आदमी मन नहीं कर पाई कि हम ही मन हिंदी में बात करे लगते हैं कोई मिल गए तो। नहीं तो देखबे आन जगह के कि दो झिन गुजराती यदि मिल गए या दो झिन सिंधी समाज के मिल गए या दो पंजाबी मिल गए तो ते 50 झिन खड़े रहे भी उमन अपन भाषा में शुरू हो जाए। लेकिन जब दो छत्तीसगढ़िया मिल जाए तो उमन के सामने में वो छत्तीसगढ़ी ला संकोच में आ जाते हैं। तो राजभाषा बन गए लेकिन काम काज की भाषा नहीं बनी। और आज भी दूसरा ला दोष देना बेकार है कि जैसे सभा हो तो सभा में तो देखबे आधा ले आठ आना ले ज़्यादा हिंदी में भाषण होते, आठ आना ले कम छत्तीसगढ़ी में होते। मैं अपन क्षेत्र में लगभग छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी में भाषण देता हूँ उगर बीच में। लेकिन आने प्रदेश के भाषा में जैसना सम्मान पाई हमार छत्तीसगढ़ी है उसका सम्मान अभी तक के नहीं पा सके है। अब एकर लिए जिन आवश्यकता हवा कि हमन के एक तो मैं कहूँ काम काज की भाषा नहीं बन सके। मैं जब विधानसभा के अध्यक्ष रहे हूँ वो समय छत्तीसगढ़ी का हमन मान्यता दे दिए कि छत्तीसगढ़ी में प्रश्न पूछ सकत है, छत्तीसगढ़ी में ओकर उत्तर दे सकत है, ओकर ट्रांसलेटर भी हो गए है, ट्रांसलेट होते जितका प्रचलन में भी आना चाहिए उतका प्रचलन में भी नहीं आए है। और जब तक प्रचलन मौका हम सब मिल करके जवाबदारी के साथ नहीं लाबो तब तक के छत्तीसगढ़ी है वो सम्मान नहीं पा सके जेकर हकदार वह हवे। तो उमा अभी आओ आगे हमन ला बढ़े के जरूरत है, मन में हिचक करे के जरूरत नहीं है, हिचक ला खत्म करना चाहिए तब वह आगे बढ़े।
बहुत अच्छा बात बोला। तो एक स्थिति में मैं कहूँ कि काम काज के अभी भाषा हमारे नहीं बने हैं, राजभाषा भर बने हैं, तो काम काज के भाषा वाला बनाई पड़ी। बहुत अच्छा बात आप बोले, बहुत अच्छा बात आप बोले कौशिक जी, और बहुत अच्छा संदेश भी देव आप देसी टॉक में देसीपन के साथ आज हमारे साथ आप बैठे रहे हो। एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। जय राम। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।